ये हैं गौ सेवा की दीवानी सैदापुर की उर्वशी देवी। बेशक यह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती व इससे निर्मित नित नए प्रयोग कोई सैदापुर के रहने वाली उर्वशी से सीखे। इनके द्वारा गाय के गोबर से निर्मित धूपबत्ती, दीपक, संबरानी कप व मूर्तियों की डिमांड जिले से लेकर प्रदेश तक है। अयोध्या में हुए दीपोत्सव में भी उर्वशी जी ने अपने समूह द्वारा निर्मित कई हजार दीपक अयोध्या भेजे थे। रूपापुर के पास सैदापुर गांव में अपने घर के पास ही उर्वशी देवी ने अपनी गौ आधारित प्राकृतिक खेती की प्रयोगशाला खोल रखी है, जिसमें वह गौमूत्र से निर्मित जीवामृत व बीजामृत तैयार करती हैं और गाय के गोबर से दीपक, संबरानी कप, धूप बत्ती, मूर्तियां व जलाने की लकड़ी भी तैयार करती हैं। इनके नेक कार्य को देखकर गांव की दर्जनों महिलाएं इनके साथ जुड़कर स्वरोजगार पैदा कर रही हैं। जैविक खेती को करने की प्रेरणा इन्हें अपने सासू माँ पुष्पा देवी से मिली थी। पुष्पा देवी को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व जिलाधिकारी हरदोई द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। ये उर्वशी देवी जो दीपक और धूप बत्ती दिखा रही हैं, ये इन्होंने शुद्ध गाय के गोबर से तैयार की है। अभी ये पूरे तरीके से तैयार नहीं है, पूरे तरीके से जब ये तैयार हो जाती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये देखो, ये कंप्लीट धूप बत्ती है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और ये शुद्ध गाय के गोबर से तैयार की गई है। और आप देख रहे हैं हरदोई न्यूज़। आज हम रूपापुर क्षेत्र के सैदापुर गाँव में एक ऐसी महिला शक्ति से आपका परिचय कराने वाले हैं, जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होके अपने परिवार को आगे बढ़ाया है और समाज में एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने खुद तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार किए ही हैं, साथ में गांव की अन्य महिलाओं को अपने साथ जोड़ के एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। आइए मिलते हैं सैदापुर की उर्वशी देवी से, जो पूर्ण गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी कर रही हैं और जीवामृत और बीजामृत बनाकर उनका उत्पादन भी बहुत बड़े मात्रा में कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं उर्वशी देवी से। आपका नाम क्या है और आपने कैसे ये विचार आया खेती करने का? हमने अपने बुरा भाग लगाया समूह में जुड़कर। हम समूह में जाकर ब्लॉक द्वारा हमको एक ऐसा व्यस्त मिला जो उसने हमको आगम बड़ा बताया और हमने खुद ही अपने दिमाग से प्रोजेक्ट सारा मशीन द्वारा और गाय के गोबर से खाद बनी पड़ी है कंपोज वाली और जीवामृत बनाया। उससे मैंने काले गेहूँ, काला धान और साग सब्जी उसी से मैं उगाकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। भविष्य में अपना बनाना, अपने बच्चों को बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? मतलब इससे पहले कहीं आपने देखा था या कहाँ से आपने सीखा था? नहीं, एक मुकेश सैनी है, उन्होंने हमको बताया, उन्हीं के आधारित से हमने एक कंपोज वाली खाद। मुकेश सैनी आपको कहाँ मिले थे? वो हमको पाली में मीटिंग में मिले थे। अच्छा, वो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं क्या? हरदोई, दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। अच्छा, तो क्या उन्होंने बताया आपको? उन्हें खाद वगैरह बताया, जीवामृत और धूप बत्ती वाली मशीन, दीपक वाली मशीन, महिलाओं को मैंने रोजगार दिया और समूह की तरफ से हर महिला 11 महिलाओं ने मेरी मशीन पर मिलकर अब काम किया है, धूप बत्ती भी बनाना शुरू कर रही है। आपके समूह का क्या नाम है? मेरे समूह का नाम ललिता महिला स्वयं सहायता समूह है। अच्छा, कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? मेरे समूह में 11 सदस्य हैं। कितने दिनों से आपका समूह चल रहा है? मेरे समूह को 4 साल हो गए जुड़े। अच्छा, तो आप इस समूह के माध्यम से क्या क्या अभी तक आपने बनाया है? 11 जुलाई 2019 से हमने स्टार्ट किया था समूह अपना। तब से हमने बहुत सारा आगतम देख चुका हूँ और बहुत सारी आगतम हमको बुलाया गया कछोना ब्लॉक और हरोरी ब्लॉक में, वहाँ तक पहुँची नहीं, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वहाँ पहुँची नहीं। वहाँ जाकर डीएम साहब ने उद्घाटन कराया, लकड़ी वाली मशीन के विदा किया भी होने वाला है, वहाँ हमको जागरूक करके बुलाया जाता है और इधर हमने धूप बत्ती वाली अपनी मशीन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, धूप बत्ती काय से बनेगी? धूप बत्ती गाय के गोबर से। अच्छा, धूप बत्ती के अलावा और क्या क्या आपने? दीपक है, संबरानी कप है, लकड़ी वाली मशीन है। संबरानी कप क्या होता है? संबरानी कप जो है भी धूप बत्ती होती है, इसमें सामग्री भरी जाती है, बनाई जाती है। हाँ। अच्छा, खेती के मामले में आपने क्या क्या किया है? खेती के मामले में हमने काला गेहूँ, काला धान, कंपोज वाली खाद डाली और गाय के गोबर से जीवामृत बनाया, उसमें बेसन डाला, गुड़ डाली, मिट्टी डाली, डाल के तैयार किया। जब वो 72 घंटे बाद तैयार हो गया फिर उसमें हमने अपने खेत में उसको प्रयोग किया। कितना खेत आपने किया है प्राकृतिक? हमने प्राकृतिक 1 एकड़ तो धान किए थे और 1 एकड़ हमने काला गेहूँ किया है।
अभी क्या क्या आपके यहाँ लगे? अभी मेरे यहाँ केला भी हमने अपने जीवामृत से तैयार किए, घुया भी वो भी तैयार किए, बैंगन थे वो भी तैयार, बरसात के वजह से कुछ तीखे पड़ गए, फसलों में कुछ खराबी आ रही है। आपने तैयार की है वो कैसे की और वो कहाँ की है? खाद पड़ी है यहाँ पे और इसमें हमने खाद से केचुआ पालन किया, इसी में गोबर डालते हैं, स्वस्थित बिल्कुल पूरा करकट नहीं, खाली गोबर से खाद उपयोग करते हैं खाद का। इसी खाद का उपयोग किया है उसने? हाँ, खाद का। जीवामृत और बीजामृत कहाँ पे? वो ड्राम में रखा है वो हमने। अच्छा, कितने लीटर तैयार किया है? ए, हमने कहा सर 200 लीटर तैयार किया है ग्राम के अंदर। क्या रेट बिकता है ये? ए, हमने गाय का गोमूत्र खरीदा था, 15 रुपए लीटर बेच रहा हूँ उसको बना के। अच्छा, हाँ। और गोमूत्र वो भी खरीदना पड़ता है? वो भी खरीदना पड़ता है, सिर्फ गाय का चाहिए मुझे, भैंस का नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, गाय का गोबर है मेरे पास, गोमूत्र भरा रखा है। आपने जो गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट तैयार किए क्या रखे आपके? हाँ, मेरे पास रखे हैं। ये दीपक हमने बनाया घर के गोबर से। ये दो पत्ती है मशीन की बनी। बहुत अच्छी गुरु आ रही थी। तैयार कर लिए हैं और आपके ये दीपक कितने बिक्री हो चुके हैं अभी तक और कहाँ कहाँ आपने इसकी सप्लाई की है? हमने मिल में सप्लाई की और क्या नाम अयोध्या भी गए थे एक लोग भैया लेके और हरदोई भी 5,000 दीपक निकल गए थे, 4,000 हमने मिल में बिक्री किए थे। चीनी मिल क्या हिसाब ये बिकते हैं? छोटा वाला 5 रुपए वाला और बड़ा वाला दीपक है 7 रुपए का जाता है। तो इन्हें बनाने में कितना टाइम आपको लग गया? इतना दीपक बनाने में हमको कम से कम लगभग बने थे 6 दिन लगे थे, तो 6 दिन में 20,000 दीपक तैयार हो गए थे मेरे बनने। अभी आपके पास कितना स्टाफ होगा? मेरा स्टाफ मेरे पास रखा है 15,000 दीपक अभी रखा है। अभी रखा है। अच्छा, तो इनमें ये तेल नहीं सोखते हैं? नहीं नहीं, तेल नहीं सोखते हैं, बाकी भिगा कर रख दो बहुत अच्छे जलते हैं। किसके कहने पे खेती शुरू की और घर में जब आपने ये खेती अपने आप करने की कोशिश की तो घर में किसी ने विरोध नहीं किया आपका? हमने अपनी सास से सीख पाई है, सन 2018 से हमने उनको करवाते खेती देखा है, तो हमने खुद ही अपने दिमाग से सोचा, हमको किसी ने मना नहीं किया घर में खेती करने के लिए। तो आपके सासू माँ क्या क्या खेती करती थी? गन्ना है, गेहूँ थे और क्या नाम सरसों थी और दाल वगैरह थी, उगवाती थी पिताजी से और अपने लड़कों से खेती करवाती थी, अधिक तो गन्ने ही पैदावार होता था मेरे खेत। हाँ, और गेहूँ साई ने अवार्ड दिया था उनको और सम्मानित किया था गन्ना मेल में बुलाकर। तो उनका नाम ललता मेला सब था, तो हुआ अगर हमको कहीं ऊपर से आदेश ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूक किया गया तो मेरे अंदर अभी भी इच्छा है कि हम आगे सभी लेडीजों को सुख तैयार है गोबर से आधारित से हम और प्रोडक्ट आगे से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किस पार्टी को और किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हम नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती हूँ, उनने हमको बहुत अच्छा रोजगार, हम जानते नहीं थे समूह क्या चीज है, कितने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर लेडीज इच्छुक हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या कर सकती हैं लेडीज। इतना योगी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सब लेडीजों को साथ दिया, बहुत अच्छी जागरूक किया और बहुत अच्छी लड़कियों को रास्ता बताई और हम भी वही सोचना चाहते हैं, हम जहां तक बनेंगे तहां तक हम सबको झंडा फहराएंगे कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री को हम देखना चाहते हैं। समाज में किस विधायक का काम सबसे अच्छा रहा है? मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु रानू विधायक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ब्लॉक बनवाई उन्होंने, एक तो ब्लॉक बहुत अच्छी बनवाई, दूसरी बत्ती टाइम पर आ रही है, तीसरी कुतवाली भी अच्छी है और बहुत अच्छी, अगर किसी को कुछ काम कहाँ मिलते हैं तुरंत अगर जहाँ कहीं बुलाएं, मेरे क्षेत्र में रहकर उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छे कार्य किया।